विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तथा सकल हिंदू समाज की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जाहिर निषेध किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। ये निषेध किस संदर्भ में किया गया, आइए जानते हैं इस खबर में। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तथा सकल हिंदू समाज चंद्रू जिला की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हाल ही में हरियाणा राज्य के मेवात के नूह में हुई घटना के विरोध में जाहिर निषेध व्यक्त किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तथा सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी ने हरियाणा राज्य की घटना को लेकर जाहिर निषेध व्यक्त करते हुए जोरदार नारेबाजी की। तो सुनिए इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के रोडबल गहलोत ने क्या कहा स्वयं उन्हीं की जुबानी। आज 2 तारीख को अपन चंद्रपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और सभी हिंदू संगठन एक इसका जाहिर निषेध करते हैं कि जो हरियाणा में नियोद में जो हुआ है हिंदुओं पे हमला, जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर जो पत्थर फेंके और कुछ गोलियां चली और कुछ अपने होमगार्ड के और पुलिस के कर्मी भी कुछ घायल हुए और कुछ 2 होमगार्ड के व्यक्ति खत्म हो गए, उनका मैं परिवार की वो भी सांत्वना देता हूं और ऐसा आगे होना नहीं चाहिए। और ऐसा बार बार हुआ तो बजरंग दल रोड पे निकलेगा और उसका निषेध करेगा। जय श्री राम। साथ ही इस आंदोलन में शामिल अन्य आंदोलनकारियों ने भी अपना रोष प्रकट करते हुए क्या कहा, अब स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। आज का जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन जो हरियाणा में जो घटना हुई मेवात में, जहाँ प्राचीन काल का शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में हर साल धर्म यात्रा होती रहती है। उस धर्म यात्रा में सभी सकल हिंदू समाज सम्मिलित रहता है और ये बहुत ही पुरानी कईयों गत साल से चल रही धर्म यात्रा कुछ जिहादी विचारों ने पूरा प्लानिंग करके सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट की पूरा जो इंटेलिजेंस वो तोड़ के जो हमला हुआ वो भैड़ हमला का हम निषेध करते हैं। वो भैड़ हमला इतना भयानक था, मैं चाहता हूँ कि जो उसमें 2 शहीद हुए पुलिस भाई हमारे, जो 2 होमगार्ड शहीद हुए, वो शहीद परिवार के लिए भी संवेदना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करती है कि यह भैड़ हल्ला सिर्फ न कभी हिंदू समाज पे था तो हिंदू धर्म के सभी लोगों पे था, सभी जाति पंथों पे था, अपनी इंटेलिजेंस पे था, पुलिस डिपार्टमेंट पे था। यह सोचने वाली बात है, ऐसी घटना बार बार होंगी तो इसका बजरंग दल कड़ी शब्दों से निषेध करता है, उसका जवाब देंगे। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव विहारकर की रिपोर्ट।